मल्लिका जी आप प्लीज मंच पर आए और हमारे जो अभी विशिष्ट व्यक्तित्व आए हैं आदरणीय सर का अभिनंदन करें, स्वागत करें और उनकी उपस्थिति ने हमारे इस आयोजन में चार चांद लगा दिए हैं। वाकई हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। क्षेत्रीय पार्षद विजेंद्र जी को मंच पर बुलाओ। क्षेत्रीय पार्षद विजेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे आग्रह है कि वो भी मंच पर आएं। उन्हें पोटो प्लांट जो हम दे देंगे और डॉक्टर जितेंद्र जी जो हैं उन्हें ये पौधा दे करके सम्मानित कर रहे हैं बहुत। और अब मैं आदरणीय सुनील शर्मा सर से आग्रह करूंगी कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें, हम सभी का मार्गदर्शन करें, दिशा निर्देश दें और उन्हें बशीर बद्र साहब की इन पंक्तियों से बुलाना चाहूंगी कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। आज के इस हिनर महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे गढ़मुक्तेश्वर से पूर्व विधायक आदरणीय श्री कृष्णवीर सिरोही जी, इस क्षेत्र के पार्षद और इस सिटी फॉरेस्ट को बनवाने में जिनकी अहम भूमिका रही है, क्योंकि ये जो जमीन है इस पर कोई ना कोई या तो बीच में किसानों की जमीन थी या अतिक्रमण था, इस सारी जमीन को मुक्त करा करके और जिनकी जमीन अपनी थी दादा लाई उससे भी ट्रांसफर करा करके इस सुंदर काना उपवन और अब जो सिटी फॉरेस्ट है इसे बनवाने का काम किया है ऐसे भाई विजेंद्र चौहान जी, मंचासीन आदरणीय जितेंद्र नागर जी, मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित बंधु और बहनों, संजय कश्यप जी भी बैठे हैं, जल पर बहुत काम करते रहते। मैं तो बहुत विलंब से पहुंचा हूं, आज स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था तो मैंने आग्रह किया था, लेकिन मदन पांचाल जी का फ़ोन आया, जितेंद्र जी का फ़ोन आया, इनका भी थोड़ी देर के लिए ज़रूर चलेंगे। हिंडन गाजियाबाद के लिए, गाजियाबाद की जो पहचान है वो हिंडन से, और आज हिंडन का क्या हाल है हम सब देख रहे। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि भाई हिंडन को साफ करने के लिए हम प्रयास करेंगे, मेरा मानना है कि हिंडन को तो सफाई की जरूरत ही नहीं है, हिंडन तो स्वयं साफ हो जाएगी। लॉकडाउन लगा तो सब नदियां साफ होगी नहीं होगी, कौन साफ करने आया था, हम इनको गंदा करना बंद कर दें। नदियां तो पवित्र हैं, शुद्ध हैं, निर्मल हैं, उनको उनको जो मलिन कर रहे हैं, जो गंदा कर रहे हैं वो तो हम लोग कर रहे हैं। हम कालिदास के वंशज हैं असली वाले, कि जिस पेड़ पे बैठे उसी की डाल काट रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए, प्रकृति और इस धरती का इतिहास कितना पुराना है हम भी नहीं जानते, और सृष्टि आदि काल से चली आ रही है। यदि हम नहीं सुधरेंगे तो प्रकृति हमको सुधार देगी। एक नमूना आया कोरोना का, अब दूसरी वेव आ रही है उसकी। अगर प्रकृति के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ रहा तो ऐसी वेव भिन्न रूप में आती रहे। यदि हम प्रकृति के साथ प्रेम करके चलेंगे, नेचर के साथ प्रेम करेंगे, अपना जीवन यापन के साथ साथ उसको ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि सदियों सदियों तक, सहस्त्राब्दियों तक हमारे आने वाली जो संततियां हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं तो कई बार निराश हो जाता हूं, हालांकि जिम्मेदार तो सब लोग हैं, पर लगता है हालांकि मुझ जैसे व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, देश में तो पर्यावरण की इमरजेंसी लगनी चाहिए। सही, बहुत सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया बात है।
ये तो हेडलाइन बननी चाहिए पांचाल जी। पर होता क्या है, मेरे यहां मैं वसुंधरा में रह रहा हूं आजकल, चौधरी साहब भी बैठे हैं यहाँ और भी सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए लोग होंगे। कुछ लोग आए आरडब्ल्यूए के लोग आए, कह लगे साहब बिल्डरों ने बहुत अति कर दी है। क्या हुआ? कह लगे जी अपने पीछे को झांक के देख लो आपके मकान के पीछे क्या हो रहा है। तो वहां नक्शे में स्टील पार्किंग प्लस 3 मंजिल पास होते हैं, वो स्टील पार्किंग प्लस 5 मंजिल बना रहे हैं और 1 मंजिल पे 4 मकान बना रहे हैं, तो 5 × 20 मकान हो गए। चलिए कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं। जो स्टील पार्किंग है उसमें भी मकान बना के बेच दे रहे हैं। अब वो लोग गाड़ियां कहाँ खड़ी करेंगे, सड़कों पर रास्ता निकलना बंद होगा। जब ज्यादा लोग आए तो मैंने उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कर दी, वहां से सख्त निर्देश हो गए कि भाई इसको रोका जाए। अब जो उन्होंने रोक तो दिया पर मेरी जान को आफत आ रही है। अब क्या किया, जो बिल्डर्स हैं उनकी तो सील लगाई दी। अब कोई एक बेचारा 16 साल पुराना 2.5 मंजिल का मकान पर्स तोड़ कर रिपेयर कर रहा, ने कहे बंद कर। नहीं जी, क्यों नहीं, विधायक जी ने शिकायत करी है। कोई अपना मकान बना रहा, बंद कर, क्या बात है, विधायक जी ने शिकायत करी है। अब सुबह ही सुबह दिन निकलती मेरे घर के बाहर लाइन लग जाती है। अब फिर मेरा भी एक काम रहेगा, भाई इनको क्यों रोक रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं किसी सरकारी सिस्टम को दोष नहीं दे रहा, लेकिन सारी व्यवस्था ऐसी गड़बड़ा गई है कि हर व्यक्ति अपनी धनोपार्जन में लगा हुआ है, अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। वो सरकारी आदमी है, सरकारी सिस्टम में बैठा, तो उसे दिख रहा मुझे कहां से अर्निंग होगी। उसे ये नहीं दिख रहा कि अर्निंग तो हो रही है पर जहर के साथ हो रही है। आवश्यकता है समाज को जागने की, और जब जब समाज जागता है तो चाहे सरकार हो, चाहे सत्ता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, सबको झुकना भी पड़ता है और उसकी बात माननी भी पड़ती है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उनसे जन जागृति उत्पन्न होगी, लोगों में संचेतना आएगी कि वो इस पर ध्यान दें और हमारा शहर अधिक से अधिक हरियाली वाला हो, हरा भरा हो, अधिक से अधिक उत्पन्न हो। मैं इस अवसर पर याद करूंगा जरूर हमारे पूर्व महापौर श्री दिनेश चंद गर्ग जी को, कि वो मेयर रहे तो उन्होंने शहर में, और उस अधिकारी को भी कहूंगा केवल आलोचना ही नहीं करनी चाहिए हमें प्रशंसा भी करनी चाहिए। उस वक्त का जो नगर आयुक्त था आरबी मौर्य, दोनों की जोड़ी ने मिलकर के आज अगर हम थोड़ी सांस ले रहे हैं तो साई उपवन, ये काना उपवन जिसको आज सिटी फॉरेस्ट जीडीएन नाम दे दिया है, काना उपवन इन लोगों ने बसाया, तो एक लगता है कि गाजियाबाद में कहीं हरियाली भी, अंतर कंक्रीट का जंगल का गाजियाबाद है। बड़ी बड़ी 40-40 मंजिल की इमारतें तो खड़ी हो गई हैं। मैं देखता हूँ इंदिरापुरम में एक अहिंसा खंड है, पूरे में बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, पार्क छोटे छोटे, उस सोसाइटी के अंदर कुछ हो तो हो, बाहर कुछ नहीं है, सड़क है बस। कैसे सांस लेंगे, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। हम सबको इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आने वाले होली के महान पर्व की शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और वाकई ये संदेश बिल्कुल सही है कि भी हमें जो है अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझना होगा, अपनी अंतरात्मा में झांकना होगा और तभी जो है सभी तमाम प्रयास जो हैं वो करने होंगे।